नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई तहसीलदार की लापरवाही बनी 8 लोगों की जान की दुश्मन। कामण में अनाधिकृत कंपनी में लगी आग के लिए वसई तहसील प्रशासन है जिम्मेदार। वसई तहसील अंतर्गत कामण गांव में आज 16 दिसंबर सुबह हुई भीषण आगजनी में 6 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों के झुलसने की खबर ने पूरे वसई को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि वसई तहसील अंतर्गत कई गांवों का समावेश है, जिनमें से एक गांव है कामण और पौमण। उस कामण में आज सुबह एक बेहद दुखद घटना तब घटित हो गई जब कामण अंतर्गत संष्टिगर पाड़ा की एक परफ्यूम कंपनी में आग लग गई, जिस आग में 8 गोडाउन एवं 12 घर जलकर खाक हो गए। सुबह के 10 बजे लगी इस आग को बुझाने वसई विरार मनपा की अग्निशमन यंत्रणा ने मोर्चा संभाला एवं 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन दल ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उससे पहले इस भीषण अग्निकांड में 8 लोग झुलस गए, जिसमें से एक मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन बाकी बचे घायलों को वसई के सर डीएम पैट्रिड अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई है। जिस जगह पर आगजनी हुई यह जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी बताई गई है, जहां बड़ी तादाद में अनाधिकृत बांध काम किए जाकर बगैर फायर व सेफ्टी ऑडिट के परफ्यूम जैसी अति ज्वलंतशील वस्तु का निर्माण एवं पैकेजिंग का कार्य किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर चल रही अवैध कंपनी ने तहसील प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वसई कामण पौमण आदि गांवों में हो रहे अनाधिकृत बांध काम एवं इलीगल कंपनियों के खिलाफ कामण के स्थानीय ग्रामवासी कई बार वसई तहसीलदार को शिकायत देने के साथ आंदोलन बल्कि उपोषण भी कर चुके हैं, लेकिन अवैध विकासकों से मिलने वाली मोटी काली कमाई के चलते तहसीलदार मैडम किसी की भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है। वहीं कामण गांव में सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन को भी एने प्लॉट, जिसे मराठी में बिन खेती जमीन कहा जाता है, में पिछले कुछ सालों में धड़ल्ले से बदल दिया गया है ताकि वहां पर व्यावसायिक निर्माण कार्य किया जा सके। आज के हादसे में फिलहाल सभी जख्मी मरीजों के इलाज चल रहा है। इन जख्मी मरीजों का एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन उस वीडियो की तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली साबित हो सकती है, इसलिए उस वीडियो को दिखाया जाना उचित नहीं है। आज घटे इस बड़े हादसे के बाद अब भी तहसील प्रशासन अगर गंभीरता से इस विषय पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो आगे चलकर इससे भी बड़े हादसे होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। विवेक किनी आणि शिर्के साहेब, प्रभारी अग्निशमन केंद्र अधिकारी म्हणून आमच्या या पदावर आम्ही कार्यरत आहोत। सर, नेमकं काय घटना आहे आणि कधी ही झाली, आता कशी स्थिती आहे? सकाळी 10:15 ते 10:30 दरम्यान कॉल आला की कोमन कामांच्या दरम्यान तिथे आग लागलेली आहे असं आम्हाला कॉल आला, आणि घटनास्थळी फर्स्ट टर्नआउट आम्ही गाडी तिथे रवाना केली असता असं आम्हाला तिथनं समजलं की गाडी कॉल ही अतिशय भयानक असल्याकारणाने आम्हाला सेकंड टर्नआउट बॉझरचं आम्हाला साथ घ्यावी लागली। तरीही आम्ही तिथे कंट्रोलच्या बाहेर आहे, तिथे आम्ही तिथे 11:00 ते 11:30 दरम्यान तिथे पोहोचलो, पण सिच्युएशन अतिशय खराब असल्याकारणाने तिथे आम्हाला अजून आमच्या वसईविरार शहर महानगरपालिकेच्या 5 गाड्या आम्हाला मागवाव्या लागल्या। त्याच अनुषंगाने भिवंडी महानगरपालिकेची गाडी 1:15 ते 1:15 दरम्यान ती सुद्धा आली होती मध्ये। सर, मला सांगा की हे कुठले गोदाम आहेत आणि किती गोदामाला लागले, काय माल होता याच्यामध्ये? एक्सपायर्डेट झालेले डीओ आणि एक्सपायर्डेट झालेले फोम असे हे त्याच्यामध्ये मटेरियल होते, काही बोलतात बिस्किट होते तिथे एक्सपायर्डेट झालेले, आणि ती प्रक्रिया करत असताना काहीतरी अचानक शॉर्ट सर्किट म्हणावं लागेल किंवा एक स्पार्क पडलं आणि स्पार्कमध्ये तिथे ही घटना घडली गेली आहे। आणि अशा नागरिकांच्या माहितीनुसार तिथे लेडीज आणि जेंट्स काम करत होते आणि कमीत कमी लेडीज काहीतरी 5 जखमी झालेले आहेत आणि पुरुष काहीतरी 2-3 जखमी झालेले आहेत। इथल्या स्थानिक नागरिकांनी त्यांना तात्काळ हॉस्पिटल इथे दाखल करण्यात आले। सर, किती गोदामाला आग लागली, आजूबाजूच्या घरांचं किती नुकसान झालं, किती घर? आतापर्यंत 5 ते 7 गोडाऊनला आग लागलेली आहे, तसेच तिथे झोपडपट्टी म्हणून झोपडपट्टी आहे तिकडे, त्यांना कमी कमी 10 झोपडपट्टीला आग लागलेली आहे। आता आग नियंत्रणात आहे का सर? काय आग कंट्रोलमध्ये आग आहे, आम्ही आता कुलिंग करण्याची आमची पद्धत चालू आहे, तरी आम्ही 2 तासापर्यंत आम्ही कुलिंग करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि 100% आग निघेल आम्ही इकडनं रवाना।
राजेंद्र जी बताइए, ये कोलसा कंपनी था, क्या था गोदाम में, क्या था इसमें? सर इसमें रिजेक्ट वाला माल आता था, ये परफ्यूम हुआ, ये वेफर हुआ, और लाई हुई वगैरह वगैरह, मतलब सब डेट एक्सपायर हुआ है आइटम यहाँ पे आ गई, इधर उधर कुछ होता था, मतलब चांट होते जो भी होता था, इसमें क्या मालूम सात सब्जेक्ट हुआ, क्या मालूम पैसा 10:30 बजे की तकरीबन इसमें आग लगी थी। फिर उसके बाद सब लोग मेरी एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए थे, तो वो तकरीबन 11:30 बजे एम्बुलेंस वाला है, फिर उसके बाद अभी चालू है बुझाना। कितने घर है, कैसा घर, कितने यहाँ भी जो है रूम वो देखा जाए तो 8-10 रूम तो एकदम ख़राब हो चुका है, पूरा जल चुका है, बाकी उनका गोडाउन और 4-5 गोडाउन था पूरा जल गया। कितने जख्मी हुए, कुछ क्या? जख्मी मेरे सामने तो एक भी नहीं हुई है, बाकी 5-6 सुनाई पड़ रहा है कि 5-6 लोग जख्मी हुए। हाँ मतलब वो ज़्यादा नहीं है, बस खाली बॉडी में यहाँ जले हैं, कोई यहाँ जला है, कोई ऐसा। हाँ चेटे शेटे सर, काय झालं सांगा, कधीची घटना आहे, काय होतं इथं? कंपनी 10:15 वाजता आम्हाला फोन आला की इकडे आग लागली, आमच्या कंपनीच्या पाठीमागे आग लागली होती, एक परफ्यूम कंपनी होती, परफ्यूम कंपनीला आग लागली होती आणि ती आग पसरत जात होती। आम्ही ताबडतोब फायर ब्रिगेडला फोन केला, फायर ब्रिगेड वगैरे आले आणि आमच्या माझं इथे घर आहे, त्या घराचं बरंच काही नुकसान झालेलं आहे, म्हणजे वरचा माळा जो आहे तो संपूर्ण जण एसी जळलेला आहे, घरातलं बरंच नुकसान झालेलं आहे आणि इकडच्या आजूबाजूची सगळी वस्ती आहे ती जवळजवळ 75% भस्मसात झालेली आहे। किती घरांचं नुकसान झालं, काय पुढे जायला तरी मिळत नाही, पण अगदी 100-125 घर तरी जळलेले आहेत, पुढे जायला काय बघायला मिळत नाही, पण इकडे घर बरीच आहेत, 100-125 आसपास घर जळलेली आहेत आणि 3-4 माणसं काहीतरी इंजर्ड झाली समजलं, पण आम्ही येण्यापूर्वी झाल्यामुळे आम्हाला ते काय बघायला नाही मिळालं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।